खबर लखनऊ से है। नमामि गंगे को लेकर सीएम ने की समीक्षा बैठक। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दिया बड़ा बयान। नमामि गंगे के कार्यों की समीक्षा की गई, स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है। विदेशों में यूपी में निवेश का भारी उत्साह है, स्वतंत्र देव सिंह का बयान आया है। विदेशी उद्यमी उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए उत्साहित है। हम 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य पूरा करेंगे, स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है। लखनऊ से खबर है जहां नमामि गंगे को लेकर सीएम ने की समीक्षा बैठक। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दिया बड़ा बयान। नमामि गंगे के कार्यों की समीक्षा की गई, स्वतंत्र देव सिंह ने कहा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक, नमामि गंगे को लेकर सीएम ने समीक्षा बैठक की, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है अभी? प्रोजेक्ट है वो, जब से 2014 में केंद्र की मोदी सरकार आई है तब से वो गंगा को लेकर एक अलग मिशन तैयार कर रहे हैं, जिससे नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उस पर लगातार जो है केंद्र की जो सरकार है और सूबे की जो सरकार है वो लगातार कार्य कर रही है। गंगा को लेकर लगातार कार्य कर रही है, उसको स्वच्छ और निर्मल को लेकर लगातार कार्य कर रही है। और लोकभवन में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर एक समीक्षा बैठक की, जिसमें जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और इस मंत्रालय के बड़े पदाधिकारी जो है वो बैठे थे। इसकी रिपोर्ट की समीक्षा वगैरह की गई और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके बाद जो अगली जो बैठक होगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। जब से वो सत्ता में आए हैं 2014 से ही लगातार जो है इस प्रोजेक्ट के लिए अलग फंड जो है केंद्र सरकार देती रही है और हर बार जो है प्रोजेक्ट की जो समीक्षा बैठक भी की जा रही है। और उसी प्रोजेक्ट को जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बना लिया है। आज लोकभवन में इसकी समीक्षा की गई, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की गई। और इस बैठक के खत्म होने के बाद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का एक बड़ा बयान आया है कि जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है उसके लिए आज एक समीक्षा बैठक हुई, कई महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी गई। मुख्यमंत्री अपने स्तर से इस रिपोर्ट को देखेंगे और उसको परखेंगे। इसके बाद जो अगली बैठक होगी वो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी एक रिपोर्ट सौंपेगी इस प्रोजेक्ट पर, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इस पर मुहर लगाएंगे। नंदनी, विवेक, देखा जाए 2014 से लेकर अभी नमामि गंगे की शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चुनौती है पूरी तरह से गंगा को स्वच्छ रखना। जी बिल्कुल, गंगा को स्वच्छ रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, विशाल देश है, जहाँ पे लगभग हर जगह पे माँ गंगा प्रवाहित होती रहती है, बहती रहती है। और शास्त्रों से लेके अगर बात की जाए तो इस देश में गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है, नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है, हम उनको माँ की तरह पूजते हैं। तो इसकी साफ सफाई की व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। सरकार ने अलग से नमामि गंगे प्रोजेक्ट बना रखा हुआ है। खासकर अगर देखिए बनारस में, तो जब से सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में, उसके बाद प्रदेश में, तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। जो पहले घाटों पे जो गंदगियां होती थी, जो कई प्रकार की अव्यवस्थाएं देखी जाती थी, अब वो नहीं है। और ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि माँ गंगा इतना निर्मल हो चुकी है कि उनको याचमन किया जा सकता है, लेके हाथों में लेके याचमन किया जा सकता है। लोग अब स्वच्छता, इतनी स्वच्छता हो गई है कि लोग डुबकी लगाने से हिचकते तक नहीं है। प्रियंका गांधी ने भी बनारस के अपने दौरे में डुबकी लगाई थी, जिस पर एक तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि गंगा को इतना निर्मल और स्वच्छ किया जाता कि प्रियंका गांधी बड़े आराम से डुबकी लगा रही हैं और कोई भी व्यक्ति जो है इसे याचमन भी कर सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है काफ़ी बदलाव देखे जा सकते हैं, लेकिन अभी भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर बात की गई है, जिन पर रिपोर्ट तैयार की गई है। क्योंकि गंगा में कई फैक्ट्रियों का सीवर जो कचरा है वो जाता है, सबसे मुख्य समस्या यही है कि उस कचरे को किस प्रकार से गंगा से अलग किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है जिस पे काम हो रहा है। इस पे और भी काम होने चाहिए, अब तक जितना काम हुआ है ये पर्याप्त नहीं है। और जो कचरा फैक्ट्रियों का है वो लगातार नदियों में जाता रहे, चाहे गंगा की ही बात नहीं, देश की अन्य नदियों की भी बात करें, प्रदेश की अन्य नदियों की बात करें, तो फैक्ट्रियों का कचरा जो है सीधे तौर पर
वो नदियों में जाता है और इससे नदियाँ दूषित होती हैं और जो उनमें रहने वाले जानवर है उनको जो है काफ़ी दिक्कत होती है, पर्यावरण का काफ़ी नुकसान होता है। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और आगे की जो बैठक होगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय भी लिया जाएगा। नंदनी विवेक, आज की समीक्षा में कहीं ना कहीं देखा गया तो बड़ा निर्णय लिया गया, लेकिन वही मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बड़ा बयान दिया है, कहा कि विदेशी जो उद्यमी है वो यूपी में निवेश के लिए काफ़ी उत्साहित है। जी, स्वतंत्र देव सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है कि जिस तरह से अपने विदेश के दौरे पे थे, वो ऑस्ट्रेलिया में गए थे जहां वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और प्रोफेसर के साथ एक बैठक की थी, मीटिंग की थी और एक एमओयू भी साइन किया जाता था कि वाटर रिसोर्सेज की सप्लाई वहां पे कैसी है, किस तरीके से वाटर रिसोर्सेज पे ऑस्ट्रेलिया काम कर रहा है, वहां की यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं जिसका अच्छा जो है परिणाम देखने को मिल रहा है, उस पर एक बैठक हुई है और इसमें निवेश करने को ऑस्ट्रेलिया जो है तैयार है। एक वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी से एक एमओयू भी साइन किया गया है। वहीं सिंगापुर में भी जीआईएस के लिए अपने दौरे पर स्वतंत्र देव सिंह गए थे, वहां अगर उन्होंने बताया कि 22,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए सिंगापुर उत्तर प्रदेश में राजी हुआ है, 22,000 करोड़ का सिंगापुर निवेश करेगा। तो जिस प्रकार से उन्होंने ये बातें कही हैं, वो उन्होंने ये भी बताया कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो मुख्यमंत्री ने लक्ष्य रखा है 10,00,000 करोड़ के विदेशी निवेश का, जिसकी बदौलत सूबे की अर्थव्यवस्था को $1 trillion इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था में बदलना ये कड़ी चुनौती है और ये जो 10,00,000 करोड़ का निवेश है उससे $1 trillion इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था को बदलना एक लक्ष्य रखा गया जिस पर काम होते दिख रहा है। स्वतंत्र देव सिंह का ये बड़ा बयान आया कि हम बहुत जल्द ही जो 10,00,000 करोड़ का विदेशी निवेश हमने लक्ष्य रखा है उसको पा लेंगे। और स्वतंत्र देव सिंह ने यह भी कहा है कि 2014 के बाद से जब से भाजपा की सरकार आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो देश भर की बात छोड़िए विदेशों में भी भारत का कद बढ़ा हुआ है और जब से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा चुन के आए हैं तो उत्तर प्रदेश जो है विश्व पटल पर चमक चुका है और सभी जो विदेशी निवेशक हैं, जो उद्यमी है, जो व्यापारी है, वो उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर बहुत ही इच्छुक है, बहुत ही इच्छुक है। पहले ऐसा होता था कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लोग असंशकित रहते थे, थोड़ा असंशकित रहते थे और थोड़ी सी दूरी बनाते थे उत्तर प्रदेश को लेकर, जिसका मुख्य रीजन उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो पहले जो गुंडागर्दी थी, यहाँ पे बिजली की सप्लाई उतनी अच्छी नहीं थी, सड़कों की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से विदेशी निवेश कम आ पाता था। तो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जब से प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, इन सारी खामियों को दूर कर दिया गया है, वैश्विक पटल पर उत्तर प्रदेश और देश का नाम रोशन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेता तो पहले से थे, योगी आदित्यनाथ का कद भी ग्लोबली अब बढ़ रहा है। जो ये विदेशी निवेश आएगा फरवरी में, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 10 से 12 फरवरी के लिए, तो ग्लोबली जो है योगी आदित्यनाथ अब रिकॉग्नाइज किया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रहा है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बदली हैं जो पहले कभी ऐसी नहीं थी, इसलिए विदेशी निवेशक यहाँ आने के लिए आतुर है। नंदनी, को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा है, कहा है कि ये पहले भी इन्वेस्टर समिट होते रहते, धरातल पे कहीं कुछ नहीं है इसका। देखिए नंदनी, विपक्ष का काम ही है सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध करना, लेकिन ये सरकार की एक अच्छी योजना है, एक अच्छी नीति है। अगर 10,00,000 करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आएगा तो उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लोगों को रोजगार मिलेगा। कम से कम 2,50,000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना इस निवेश से जताई जा रही है। और जो प्रत्यक्ष विदेशी कर है, क्योंकि भारत सरकार ने 100% FDI किया है, तो अगर लोग यहाँ निवेश करेंगे, यहाँ फैक्ट्रियाँ डालेंगे, तो जो वर्कर हैं वो भारत के रहेंगे, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ डाली जाएंगी, 100% FDI की बात चल रही है। तो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है ये विदेशी निवेश, जो 10,00,000 करोड़ का निवेश रखा गया है। अगर हम इस आंकड़े को पहुँचते हैं, आंकड़े को छूते हैं, तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर जो है वो महाराष्ट्र गुजरात जैसी तस्वीर जो है सामने बन के आएगी और टॉप 5 में उत्तर प्रदेश का जो है वो नाम होगा, यहाँ की GDP बढ़ेगी। जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि प्रदेश के जो प्रतिभाशाली युवा है वो पलायन कर जाते हैं क्योंकि उनको उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल रही, तो वो पलायन कर जाते हैं, देश के दूसरे राज्यों में जाते हैं,
दिल्ली, बेंगलुरु, गुजरात और महाराष्ट्र में नौकरी करते हैं। और दूसरी बात मैं कह रही, इनका पलायन रुकेगा और जो देश के अन्य राज्य हैं उनसे भी जो प्रतिभाशाली दिमाग है, जो ब्रेन है, प्रतिभाशाली दिमाग, जो क्रिएटिविटी है देश के दूसरे राज्यों की, वो उत्तर प्रदेश आएगी तो यहाँ जो है रोजगार मिलने की संभावना है। करीबन 2.5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की GDP बढ़ेगी, लोग यहाँ कमाएंगे, पैसे यहाँ खर्च करेंगे, उत्तर प्रदेश की GDP बढ़ेगी, यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं भारत को एक मजबूत स्थिति वैश्विक पटल पर देखने को मिल सकती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।